कमलानगर के डी ब्लॉक स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 6 सितंबर को भक्तों द्वारा उत्तम तप धर्म की पूजा अर्चना करते हुए जीवन में तप के मार्ग पर चलने की भावना पाई। इस अवसर पर संत शिरोमणि के शिष्य ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने धम्म सभा में अपनी विशेष शैली में तप धर्म के मर्म को समझाया है। इच्छाओं और विकारों का नाश करना ही तप कहलाता है, जिसे अपनाने से मोक्ष के मार्ग खुल जाती हैं। 6 सितंबर को दशलक्षण पर्व के 7वें दिन आगरा के कमलानगर टी ब्लॉक स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के सानिध्य में भक्तों ने उत्तम तप धर्म की पूजा कर प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित किए। कार्यक्रम में नगर भक्तों ने सहभागिता कर श्री जी की विशेष आराधना की। इस अवसर पर ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने भक्तों का मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार किया। एक ये भावना बनाओ कि हे भगवान, मुझे भी इतना सामर्थ्य बना देना कि जैसे ये दान करते, जैसे ये द्रव चलाते हैं, कि भगवान आने वाले समय में मैं भी इससे अच्छी द्रव चढ़ाऊं, तो आपके पास हो सकता पुण्य का अर्जन हो और आ जाए आपके घर में और चढ़ाने लग जाए। तो मन खराब नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी के दान को देख करके, किसी की सामग्री को देख करके अपने मन में ये भावना बनाना चाहिए कि भगवान हमारी सामर्थ्य भी इतनी बन जाए, हम भी इतना कर सकें कि आपके दरबार में जब आएँ अच्छी अच्छी द्रव चढ़ाएँ, अच्छा दान करें, वो नियम से फिर आपके पास में आएगा। क्योंकि आपने भावनाएं बनाई हैं और पवित्र भावनाएं हमेशा फलीभूत होती हैं, वो अपन को ऐसा करना चाहिए। इस अवसर पर भक्तों ने भी अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य श्री के परम भक्त भैया जी, बाल ब्रह्मचारी भैया सुनील जी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका प्रवचन प्रतिदिन चल रहा है और ऐसे प्रवचन हैं उनके, ज्ञानवर्धक हैं और प्रेरक हैं और हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले प्रवचन उनके चल रहे हैं। तो कमलानगर की, पूरे ग्रेटर कमलानगर की समाज की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है प्रवचन सुनने, और आगरा की अन्य शैलियों के भी जैन समाज के लोग यहाँ पर प्रवचन सुनने आ रहे हैं और ऐसे प्रवचन कभी सुने नहीं गए, ऐसे प्रवचन इस बार दशलक्षण पर्व में बताए जा रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों ने ब्रह्मचारी भैया जी को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में भक्तों ने श्री जी की भव्य आरती कर पुण्यार्जन किया।